गंगा को यहाँ क्यों नहीं लेके? माधवी, बताया ना मैंने आपको, गंगा सागर घर पर नहीं है। माधवी, जब भी गंगा और सागर से मिलना चाहता हूँ मैं, वो घर पर नहीं होते। कुछ हुआ है क्या? उनका नाम सुनते ही बात बदल देती हो तुम। डिनर पर भी साथ पर नहीं थे, आज सुबह ब्रेकफास्ट पर भी नहीं आए। सुबह सागर के कमरे में गया था मैं, रूम में भी नहीं था वो। घर का माहौल मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। कोई बात ऐसी है जो तुमने बताई नहीं या बताना चाहती हो? कुछ भी ऐसा नहीं है, सब ठीक है, हर कोई ठीक है और अपनी अपनी जिंदगियों में बिजी है। आज गंगा सागर को कृष्णा के स्कूल जाना था उसके प्रिंसिपल से मिलने के लिए, वहीं गए हुए हैं। जैसे लौटेंगे कह दूंगी आपसे आके मिल लें, ठीक है? चलिए, आपकी दवा का टाइम हो रहा है, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए सूप लेके आती हूँ। कृष्णा को स्कूल छोड़ा है, वो बिल्कुल ठीक है, कोई फिक्र करने की बात नहीं है। रिपोर्ट्स आ गई? थोड़ा टाइम लगेगा, डॉक्टर ने कहा है वेट करने के लिए। कृष्णा हमारी आखिरी उम्मीद है, अगर उसका बोन मैरो बाबू के बोन मैरो से नहीं मैच हुआ तो हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाएगा। एक ऑप्शन है हमारे पास, उसके साथ मिलके कोई गड़बड़ कर रही है। सागर, सागर प्लीज उसे पकड़ो सागर, और पूछो कि वो क्या कह रही थी उसे माता। सागर, हम जाके तब तक उस घूंघट वाली माता को देखते हैं। सागर, क्या हो गया तुझे? सागर प्लीज, इस बार भरोसा करना हम पे, प्लीज प्लीज सागर। महाराज जी, वो औरत घर पर ही है क्या? कौन औरत? वही माता, घूंघट वाली माता। हाँ। पता नहीं गंगा बेटिया, थोड़ी देर पहले ही मैं रसोई से बाहर आया, बहुत देर से दर्शन नहीं किए माता जी के। अच्छा महाराज जी, कोई और तो नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया था। मैं जरा जल्दी में हूँ, बाजार जा रहा हूँ। हमें नहीं लगता कि वो घर पहुंची होगी, अगर आई भी होगी तो बस यही 2-4 मिनट पहले ही पहुंची होगी। अभी जाकर देखते हैं कहाँ छुपी है। उठ, 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 बोल, वो कौन सी इससे बात कर रहा था? बोल, बोल, किससे बात कर रहा था? बोल, बोल, वो तो बस डॉक्टर के बारे में पूछ रही है। मैं नहीं जानता उसको। मैं पता, किससे बात कर रहा था? सच बोल। मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। सागर, वो आदमी पकड़ा क्या? कुछ बताया उसने? कुछ पता चला? हुआ सागर? सब ठीक तो है ना? हेलो। हाँ कशिश, क्या हो गया कशिश? सब ठीक तो है? बाबू की तबीयत? अच्छा ठीक है, हम और सागर अभी आते हैं। सागर, बाबू की तबीयत एकदम से खराब हो गई। सर कुछ नहीं होगा आपको, आप परेशान मत होइए। मैंने सबको बुलाया, सब आते ही होंगे अभी। बाबू, दीदी, बाबू, दीदी, पापा क्या हुआ? बाबू, पापा, बाबू, पापा, पापा क्या हुआ? पापा, बाबू क्या हुआ? बाबू क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया इन्हें? कशिश, इन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। बाबू, बाबू कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए सांस लेने की कोशिश कीजिए। हाँ कुछ नहीं होगा, आराम से, कुछ नहीं होगा बाबू, घबराओ मत। कशिश कुछ करो ना, देखो बाबू कितनी तकलीफ में। मैंने इन्हें एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिया है, कुछ ही देर में ब्रीदिंग नॉर्मल हो जानी चाहिए। मुझे लगता है अंकल को हॉस्पिटल लेके जाना होगा, इनकी हालत सही नहीं है। सागर जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, बाबू को हॉस्पिटल लेके जाएंगे। बाबू कुछ ही होगा। उठिए बाबू, आप उठिए, आप उठिए, हॉस्पिटल चलेंगे बाबू। पापा नहीं, मैं हूँ, सब यहीं पे, यहीं पे, यहीं पे। सांस लेने की कोशिश कीजिए, उठिए, हमें जाना होगा। नहीं, हॉस्पिटल नहीं जाना है मुझे। पापा हमें जाना होगा, मैं से घर पे नहीं रह सकते। आपकी हालत देखिए, उठिए। ये क्या कह रहे हो तुम बाबू? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। उठो, उठो बाबू। ठीक, हम लोग सब यहाँ पे क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं कभी ठीक नहीं होने वाला हूँ। मैं जानता हूँ, कैसी बातें कर रहे हो बाबू? तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मुझे पता है गंगा, सच क्या है? उसी दिन सुन लिया था मैंने, इसी दिन पहली बार डॉक्टर ने तुम्हें मेरी बीमारी के बारे में बताया था। सुन लिया था गंगा, मंदिर क्यों जा रहे हैं दादी? बेटा तुम्हारे दादाजी बीमार है ना, इसलिए मंदिर जा रहे हैं पूजा करने के लिए। पूजा करेंगे ना तो फिर वो ठीक हो जाएंगे। सच्ची वो ठीक हो जाएंगे? हाँ। तो मम्मी पापा क्यों नहीं आए? एक गुड़िया, दादू की तबीयत ठीक नहीं है ना, है? अगर सब लोग चले आए उनके साथ तो उनकी देखभाल कौन करेगा, है ना? इसलिए वो लोग घर पे है। ओम रेम ट्रेम ट्रेम चामुंडाय स्वाहा, ओम रेम ट्रेम ट्रेम चामुंडाय स्वाहा, ओम रेम ट्रेम ट्रेम चामुंडाय स्वाहा, ओम रेम ट्रेम ट्रेम चामुंडाय स्वाहा। प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। सुखी रहो। बैठो। आपने कहा था ना बच्ची को लाने, ले आए। अच्छा किया। बच्ची को आगे आसन पे बिठा दीजिए और आप दोनों यहाँ सामने बैठ जाओ। लेकिन माता जी बच्चे को यहाँ क्यों? कृष्णा, क्या हुआ गंगा बिटिया? महाराज जी कृष्णा का है, हमें उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना है। तुम पूजा में नहीं गई? कौन सी पूजा? अम्मा जी और बहू जी बात कर रहे थे कि शिव के मंदिर में भैया जी के लिए पूजा रखवाइए। घूंघट वाली माता ने बुलाया था, कृष्णा भी उनके साथ गई है। अगर आप दोनों को हमारी बात पर भरोसा हो गया है तो क्या हम पूजा शुरू कर सकते हैं? बच्ची को उठाओ और मंदिर की परिक्रमा करो। पूजा शुरू होने से पहले बच्चे की शरीर की शुद्धि होना बहुत जरूरी है। चलिए, परिवार का कोई सदस्य हमारे साथ नहीं चलेगा। आप यहाँ आसन ग्रहण करिए, हम अभी परिक्रमा करके आते हैं। उठाओ। कृष्णा पता नहीं कहाँ चली गई। कृष्णा कहाँ ढूंढे उसे? वो घूंघट वाली माता पता नहीं कृष्णा को कहाँ ले गई। पुलिस को बुला लो। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि घूंघट वाली माता ये कर सकती है। हम लोगों ने तो सिर्फ नीरू के लिए ही किया है। जाने कौन सी गलती की सजा दे रहे शालिग्राम जी। अम्मा जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे। गंगा, गंगा। पुलकित भैया, घूंघट वाली माता ने कृष्णा को किडनैप कर लिया है। What? हाँ पुलकित भैया, प्लीज हमारा एक काम करो। हाँ बोलो। घर पे देखो, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा जिससे कुछ भी पता चले, और अगर कुछ मिलता है तो प्लीज हमें फोन करो। तब तक हम यहीं पे कृष्णा को ढूंढ रहे हैं। ओके। चल गंगा, इधर देखते हैं। हेलो। हाँ पुलकित भैया। हेलो गंगा, मुझे कृष्णा के रूम से सीसीटीवी कैमरा मिला है। ये वो पुराना घर है, लेकिन यहाँ तो ताला बंद है। गंगा, यू श्योर यही जगह है? यहाँ आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, बने तो यही जगह बताई थी। ये वो घाट का पुराना वाला घर है। पुलिस कितनी देर में आ रही है? They're on the way coming. सागर, पता नहीं क्यों हमारा मन कह रहा है कि कृष्णा यही कहीं पास में अंदर हो सकती है। एक बार ताला तोड़ के देखें क्या? हाँ, ठीक है ठीक है। कृष्णा, 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 कृष्णा। कहाँ है यार? यहाँ तो कोई है ही नहीं। कृष्णा, मुझे लग रहा है आपा ने हमें गलत एड्रेस दिया है, या फिर ये भी हो सकता है कि हमारे आने से पहले वो गौरव कृष्णा को यहाँ से लेकर चली गई हो। हमारी बात सही हो सकती है सागर, लेकिन एक बार अच्छी तरह देख तो लेना यहाँ पर। क्या पता हमें कोई सुराग मिल जाए। क्या पता वो औरत कृष्णा को पहले यहीं पर लेकर आई हो सकता है ना, लेकिन तू देख रही है ना, यहाँ तो कोई है ही नहीं। चल यहाँ से। कृष्णा, सागर प्लीज। अरे हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कृष्णा यही कहीं हमारे आस पास ही है। प्लीज हमें देखने दो ना। यहाँ पे टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। चल मेरे साथ, जल्दी आगे। कृष्णा, हमारी आवाज सुन रही हो? गंगा, गंगा चल, यहाँ कोई नहीं है। टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना। गंगा चल। क्या हुआ? कुछ आवाज आई यहाँ से, कुछ सुनाई दिया तुम्हें? कोई नहीं है, मैं कह रहा हूँ सागर सुनो तो, कुछ आवाज आ रही है इस दीवार के पीछे से आ रही है। सागर देखो आवाज तो आ रही है, किसकी आवाज है? इस दीवार के पीछे मुझे नहीं लगता कुछ है, और ये सीमेंट अभी गीली है, इसका मतलब ये दीवार अभी बनाई गई है। दीवार अभी बनाई गई है, इसका मतलब इसके पीछे भी कोई हो सकता है। सागर कुछ नहीं होगा, हमें ना कुछ नहीं होगा। हिलो मत, हिलो मत, हिलो मत, हिलो मत। ये जैकेट कैसे खोलते हैं? जैकेट तो निकालना होगा। सागर, सागर यहाँ से। एक मिनट धीरे कृष्णा, बस हिलना मत, कुछ नहीं होगा, रोने की कोई बात नहीं है, घबराना नहीं। हाँ घबराए देखो, बस बस कुछ नहीं होगा कृष्णा, कुछ नहीं होगा। बचे सागर, सागर जल्दी करो। 25, 24 जल्दी सागर। 15 सेकेंड सागर जल्दी। खुल जा, खुल जा, खुल जा। जल्दी जल्दी सागर चलो। भगवान का लाख लाख शुक्र जो तुम ठीक हो, तुम ठीक हो ना बेटा। हमारी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ है, माफ कर दो मुझे, मुझे माफ कर दो। शालिग्राम जी का लाख लाख शुक्र है, तुम मिट गई। अब मेरी उम्र लग जाए तुझे कृष्णा, मेरी उम्र लग जाए। बहुत परेशान हो गए थे बेटा हम। अरे कृष्णा आ गई, गुड। चलो बेटा, डॉक्टर एक बार आपसे बात करनी है। ओके डॉक्टर, वो एक्चुअली अभी कुछ देर पहले कृष्णा के साथ ही एक्सीडेंट हुआ है, तो आई थिंक वो बहुत घबरा गई है, पता नहीं कुछ बोल नहीं पा रही है, मतलब कोशिश कर रही है, शी इज ट्राइंग, लेकिन एक शब्द भी नहीं निकल रहा है उसके मुंह से। आई डोंट नो क्या हुआ है। मैं इसे अभी एग्जामिन करता हूँ। यस प्लीज। बाबू और कृष्णा दोनों में हमारी जान बसती है, और आज हम किसी एक को कैसे चुने सागर? हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी हालत में हम कृष्णा को बोन मैरो देने को कैसे कहें? और अगर बोन मैरो नहीं मिला तो बाबू जिंदा नहीं बचेंगे। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा सागर, हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए? प्लीज हमें बताओ ना सागर, हम क्या करें? माँ संभालिए खुद को, हिम्मत रखिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। आई होप कृष्णा की हालत ठीक हो जाए, उसके बाद डैड का ट्रांसप्लांट भी हो जाएगा। कृष्णा को लेकर आओ जल्दी, ट्रांसप्लांट शुरू करना होगा। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर साहब ने कहा है हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और वो भी अभी करना होगा। ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहा। आइए अम्मा जी, महाराज जी अम्मा जी के लिए पानी ले आइए। हम सबके लिए चाय बना कर ले आते। लल्ला भैया, आपका पार्सल। कोरियर से आए? नहीं, अभी बाजार से सब्जी लेकर लौटा तो दरवाजे के पास रखा हुआ था। महाराज जी अब चाय चढ़ाइए। माता जी क्या है इसमें? पता नहीं दादी, भेजने वाले का नाम एड्रेस तो कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ मेरा नाम लिखा है। पेन ड्राइव, मैं लैपटॉप लेकर आता हूँ। पेन ड्राइव में क्या होगा? यानी लैपटॉप ले आते हैं भैया, फिर चेक करता हूँ। क्या है पेन ड्राइव में सागर? ऑडियो फाइल है। ये ऑडियो फाइल क्या है भाई? दादी किसी ने मैसेज रिकॉर्ड करके भेजा है। यही सोच रहे हो ना कि तुम्हारे पापा और तुम्हारी बेटी हॉस्पिटल में पूरी तरह सेफ है? ये सब ये क्या है? कौन है ये आदमी और हमें धमका क्यों रहा है ये? अभी अभी तो सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आ रहा था, फिर ये नई मुसीबत। सागर, कृष्ण और तेरे पापा ठीक हो गए ना? कहीं कोई कुछ करेगा तो नहीं उन्हें? करेगा मतलब? चुप बोल। पापा की फोन की रिंग तो जा रही है लेकिन कोई उठा नहीं रहा। मैं हॉस्पिटल के रिसेप्शन में कॉल करती हूँ। हाँ प्लीज करो। एक मिनट, मैं अभी पता करता हूँ। हो सकता है किसी ने गंदा मजाक किया। फोन बिजी आ रहा है। ये भी बिजी है। भगवान, अम्मा जी मुझे बहुत डर लग रहा है। हम लोग ऐसा करते हैं। भगवान तू शांत हो जा बहू। बाबा सुन, ऐसा करते हैं हम लोग चलते हैं। दोबारा से एक मिनट आराम से, कोई टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं हुआ, वो दोनों ठीक है। मैं एक बार हॉस्पिटल जाता हूँ, चेक करता हूँ। ठीक है? नहीं सागर, मैं भी जाऊंगी। सागर डराने की कोशिश कर रहा है। कुछ नहीं है मम्मी, आप लोग यहीं रुकिए, मैं हॉस्पिटल पहुँचता हूँ, फिर कॉल करता हूँ। फिर आप लोग आ जाइएगा, ठीक है? मुझे एक बार जाने दीजिए। सागर, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। नहीं गंगा, तू यहीं रहे। सागर, हमसे घर पे नहीं बैठा जाएगा, प्लीज हम भी साथ में लेकर चलो। और अम्मा जी बहू जी का ख्याल रखने के बाकी सब लोग है ना। प्लीज सागर, ठीक है तू चल, आप लोग यहीं रहे, मैं आपको फोन करता हूँ, ठीक है? अच्छे ध्यान रखना। आज उस लड़की की वजह से हमारा सारा प्लान फेल हो गया है। उस लड़की को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो आदमी तो कब का मर भी चुका होगा, उसका ऑक्सीजन मास्क बहुत देर पहले ही निकाल दिया था हमने। अंकल, सागर, हम पीछे के रास्ते से जाते हैं। भागती किधर है?